तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे नए वीडियो में। तो हम लोग आए हैं दीव का किला घूमने के लिए, जहाँ पे काले पानी का सजा दिया जाता था। ये जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं वहीं का नज़ारा है, और ये कुछ ट्रेलर आपको दिखा रहा है। वीडियो में आगे बढ़े रहिए, आगे आपको दिखाएंगे। देखिए दीवार है दीव किला के अंदर जाने का, और यहाँ पे देखिए ये सब तोप है। वीडियो स्टार्ट होता है अब यहाँ से। आप लोग देखिए, ये गुजरात में हम लोग है, गुजरात का छारा गांव है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी से रिजर्व किए हैं गाड़ी। ये गांव का नज़ारा आप लोग को दिखा रहा है, कुछ जैसे हम लोग का गांव में दिखता था। ये कुछ शहर पड़ा और ये हाईवे पड़ा हम लोग का जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ गांव की हमारे पुरानी यादें, बैलगाड़ी पे कुछ दिख रहा है आपको। ये बच्चा देखिए वीडियो बना तो देख रहा है बच्चा ये। अब हम लोग दीव में प्रवेश कर चुके हैं, दीव एयरपोर्ट सिटी आपको दिख रहा है। और ये कुछ खुड़ी करके नाव है, जहाँ पे आपको पहले दिखाए थे, अब नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं हम। इस पे जाने के लिए 100 रुपये चार्ज लग रहा है, जो हम लोग को 100 रुपये चार्ज दे देते एक आदमी को जाना होता तो। 8-10 आदमी है, इसलिए एक आदमी कैसे जाएगा, और 5-6 आदमी जो साथ में है वो बाहर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाहर से हम इसका वीडियो बना रहे हैं। और देखिए राजा भैया को हंस रहे हैं चश्मा लगा के, और मैं इस नाव को दिखा रहा था कि अब बहुत लोग उस पर गए हैं। हम लोग आए थे दमन द्वीप घूमने। देखिए कुछ नज़ारा यहाँ के, यहाँ काला पानी है। देखिए भरत भाई, हाँ ये हम लोग दीव में आ चुके हैं, और साथ में हमारे भरत भाई हैं जो लाए हैं घुमाने के लिए हम लोग को। और अभी जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, इधर दीव किले पे, दीव किले पे जा रहे हैं। दूर है किला, दूर यहाँ से शायद अभी किला मार साहब पहले आ चुके हैं, बता रहे हैं कि अभी दूर है, फिर भी पैदल जा रहा है 500 मीटर। तो 500 मीटर कौन सा दूर है, दूरना है 500 मीटर। हाँ कुछ रास्ते में जाते हुए आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए रास्ते से आपको दिखा रहा है, किला पर चढ़े नहीं है, किला पर से जाएंगे दिखाएंगे तो और नज़दीक से दिखेगा ये किला। और देखिए कुछ स्तंभ सा बना है, जिसपे रेड बत्ती जला है, रात में जलता होगा लाइट ये। और यहाँ से हम लोग देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं मेन दीव का किला में अंदर। ये इसका दीवार गजब का है, ये सारे दोस्त लोग यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ बाहर का कुछ नज़ारा है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली दीव किला के पास आ गए हैं। देखिए किला का बाहर का नज़ारा है, ये कैसे जैसे रावण रामायण देखते हैं, रावण का जैसे महल था वैसे ही ये नज़ारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे इसका बहुत पुराना ये किला है दीव में जो बना है, ये 1535 में इसका क्या बोलते हैं निर्माण हुआ, पर ये बन के 1546 में पूरा पूर्ण रूप से ये बन गया। ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था ये किला, जे किला इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो हमारे मतलब भारत के लोगों को सजा देने के लिए ये किला बनाया गया था। इसमें मतलब बहुत सारी वो जगह है जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। हमें जहाँ तक पता था पहले ये अंग्रेज़ के द्वारा ये बनाया गया है, बट ये अंग्रेज़ नहीं, पुर्तगालियों ने बनाए हैं इस किला को। ये दमन दीव में पड़ता है किला। ये देखिए किला के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए मेन गेट है, ये गेट आपको दिखाएंगे हम। देखिए ये जो है ना लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कील की तरह दीवार में चिपकाया गया है, जिससे कि इसे लोग बाहर नहीं निकल सकते। अगर गेट बंद रहेगा तो भाला की तरह नोक की तरह निकला रहेगा बाहर की तरफ, तो कोई इधर ना अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है। इतना सिक्योरिटी दिया गया था उस समय 1535-46 के आसपास। अभी से अभी तो 2023 में है हम लोग, बुझिए तो 1546, मतलब बुझिए कि 450 उधर का और फिर 300 साले, मतलब बुझिए कि कैसे भी करके आपको बहुत मतलब 600-700 साल से अभी हो रहा है। ये देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, और ये विकास भी आगे आगे जा रहे हैं, और हम लोग साथ में हैं, 5-6-7 आदमी हैं हम लोग। तो सोचे कि थोड़ा इधर घूमने आए तो वीडियो भी बना ले और कुछ यादें रख ले अपने पुराने, कि हाँ हम भी यहाँ पे क्या बोलते हैं काले पानी के साजा, जहाँ पे हमारे भारत के नागरिकों को दिया जाता था सजा, उसको हम लोग देखे घूमे। ये राजा भैया हमारे फ्रंट कैमरा से पीछे शूट कर रहे हैं। ये ऊपर चढ़ाई है, और एक ऊपर का नज़ारा कुछ दिखा रहे हैं। हम लोग आगे के जस्ट जा रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाएंगे हम कि जो दिखता है ना सामने, जहाँ पे काले पानी का सजा दिया जाता था, वो बीच समुद्र में है, जहाँ से लोग नहीं भाग सकते हैं ना किधर जा सकते हैं। अगर कोई भागेगा तो देखे ये तोप चारों तरफ से, जैसे कि नहीं होता है कि अगर कोई गुंडा वंडा कहीं पे जाता है
तो उसको चारों तरफ से पुलिस बोलती है कि आपको घेर लिया गया, आप अपने आप को सिलेंडर कर दे। देखिए वो सामने आपको दिख रहा है जहाँ पे काले पानी का सजा दिया जाता था, वहीं से अगर कोई भागेगा भी तो बाहर से कैसे भागेगा, चारों तरफ से तोप का मुंह एकदम किले के बाहर, किले के द्वार पे ही लगा गया है, और कोई भी उधर से भागता है तो सीधे उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा इतना सिक्योरिटी उस टाइम भी पुर्तगालियों ने भारत के ऊपर किया था। अभी कुछ आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से शिप द्वारा वहाँ पे आपको जाकर कोई घुमा सकता है, बट अंदर जाने का अलाउ नहीं है। ये देखिए कुछ नज़ारा, इधर से हम लोग इसी रास्ते से अंदर आए हैं, ये किला का साइड का मेन गेट से रास्ता है। देखिए समुद्र का चारों तरफ से किनारा है, वो आपका नाव दिखाई भी किया हम, और देखिए किला है कितना बहुत दूर में किला है, और देखिए मास्टर साहब कृष्णा को देखिए तोप के पास अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, और कुछ नज़ारा देखिए ऊपर है राजा भैया तो चश्मा लगा के हीरो बन रहे एकदम, और ये कुछ कुछ दिखा रहे हैं हमको कि आके इधर से थोड़ा शूट कीजिए, इधर का थोड़ा नज़ारा लीजिए, क्योंकि हम तो कैमरा लिए हुए हैं और राजा भैया पहले आगे घूम रहे। देखिए अब राजा भैया कैमरा शूट कर दिया, हम आगे के चल रहे हैं। ये देखिए कुछ अजीब सा ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए उस समय भी कुछ क्या कलाकारी थी जो इतने बढ़िया से इसको बनाया गया, अभी तो बनाने में कितना इंजीनियर क्या क्या लग रहा है इसको बनाने में, उस टाइम भी कौन सा इंजीनियर होगा जो इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया और इतना क्या बोलते हैं सुरक्षित जगह बनाया गया। देखिए अंदर से हम दिखा रहे हैं आपको, ये हिल नहीं रहा है हमसे, कील जो फाटक है दरवाज़ा ये लकड़ी का ही बना है, ये नहीं कोई लोहा हवा का बना हुआ है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं घूमने वाले, देखिए तोप पे बैठ के भाई फ़ोटो खिंचवा रहे अपना। ये तो हमें सबसे यूनिक लगा, एक तार का पेड़ है और इसमें से दो ऐसे निकल गया, उसमें हम लोग के यहाँ एक ही रहता है जिसमें एक ही तार ऊपर जाता है। और देखिए कुछ पार्क के जैसा नज़ारा है अंदर, यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं हम, देखिए कितना बढ़िया है इसको। अभी ये क्या बोलते हैं भारत का धरोहर हो गया, तो ये भारत के लोग ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि इंडिया के लोगों की, देखिए इंडिया के लोग कितने मतलब अंग्रेजों या पुर्तगालियों द्वारा कितना शासन किया गया है उसको दिखाने के लिए इसको रखा गया है, नहीं तो इसको तो ध्वस्त कर दिया जाता कि क्या फ़ायदा इसे वो लोग बना कर रखे हैं। बट ये हम लोग को सीख मिलता है कि हाँ वो लोग कितने हमारे पर जुल्म किए हैं, आने पर यहाँ देखने पर मिलता है। देखिए कैसे वहाँ पर बीच समुंदर में कोई रहता होगा, बताइए ये समुंदर का नज़ारा। अभी तो पानी कम है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पानी कम है, बट ये जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहाव इसका तेज़ रहता है, तो कुछ अलग ही नज़र। देखिए ये आपको दिखा रहा है कुआँ है, ये जो होता है ना जो टॉप लेवल का कोई कैदी है जो ज़्यादा किसी आंदोलन में ज़्यादा कार्य किया है तो उसके लिए देखिए अलग से बनाया गया था। इसके अंदर वो सीकर वकर डाला गया है जिससे आदमी को इसमें सीकर से बांध कर पानी में डांड भर पानी में रखा जाता था। ये शायद यहाँ पे कोई बता रहा था, हमें तो उतना पता नहीं, बट ऐसे लग रहा है ऐसे खांदा खांदा टाइप से बना है, और वो एक कुआँ की तरह है, अंदर से अंदर सुरंग बना है जिसमें इसे से उस पर जा सकते हो। और देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ऊपर सभी इसको ढक दिया गया है, और ये कुछ नज़ारा बाहर का है जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, जैसे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग का जो है ना बनता है जैसे पंचायत भवन, ऐसे ही ये कुछ ऐसे नज़ारा दिख रहा है जो राजा भी हमको बोले कि थोड़ा इसका भी फ़ोटो ले लीजिए, तो फोटो क्या वीडियो बना लीजिए। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, अब पता नहीं हमें मतलब क्या है ये, बट कुछ लिखा गया है इस पे ये पत्थर पे जो आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, और उतना समझ में आ नहीं रहा है हम लोग को, बट जो समझने वाले होंगे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। ये अंदर देखिए जिस भी आप दरवाजे पर जाइएगा उस पर कील एकदम बना है, ये कील अभी भी समझिए 600-700 साल हो गया अभी भी कील की नोक इतनी तेज़ है, तो बताइए उस टाइम कितने तेज़ होगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बैठक होता होगा, कुछ निर्णय निकाला जाता होगा कि किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है। देखिए ऐसे ही लग रहा है बैठक की तरह है उस ज़माने में। देखिए आपका ये तोप खाना हो गया, यहाँ पर सारी तोबे ले कर रखी गई है। अब यहाँ पर आप लोग को हम दिखा रहे हैं, वीडियो इतना ही है काफ़ी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। भारत माता की जय। आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा। वंदे मातरम।